नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड दिनभर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज अल्मोड़ा के एसएसजे कैंपस में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सौतेली मां के हाथ में है। मसूरी लंडहर कैंट बोर्ड की बैठक में स्मार्ट कैंप बनाने के मुद्दे पर हुई चर्चा, साथ ही कैंट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर कैंट सदस्यों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करते हुए कहा कि कैंट में अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही की जाए। पौड़ी में हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फ्लॉप करार दिया। कांग्रेस सरकार के पौड़ी जिला अध्यक्ष कामेश्वर राणा का कहना है कि नेता जनता की नजरों में इतने गिर चुके हैं कि जनता से नजरें मिलाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसका उदाहरण पौड़ी में देखने को मिला। हल्द्वानी लालकुआं छात्राओं को मिली शिक्षा की सौगात। श्रम मंत्री हरिचंद्र दुर्गापाल ने अपनी विधानसभा लालकुआं में नव निर्मित 1,40,00,000 की लागत से बने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवन का लोकार्पण कर स्थानीय लोगों को कॉलेज की सौगात दी। अल्मोड़ा में हुई भाजपा की परिवर्तन रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने का श्रेय भाजपा को देने पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं में गहरा रोष है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अमित शाह का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की तमाम खबरें। इन खबरों को विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज़.com पर।